नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परयानी व्लॉग्स में। दोस्तों आज जो हमारा ट्रिप है वो है नागपुर से तुमसर की तरफ। तो हम लोग ये जो ट्रेन आ रही है ये विदर्भ एक्सप्रेस है 12105। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज मैंने जनरल टिकट ली है, जो कि इंडियन रेलवेज ने 29 जून 2022, जी हाँ 29 जून 2022 को ये जो बंधन था कि भाई जनरल टिकट नहीं निकाल सकते काउंटर से, वो बंद कर दिया था, उसे फिर से शुरू कर दिया है। ये टिकट जो आपको दिखाई दे रही है, ये टिकट मैंने लिया है। काफ़ी मुझे मज़ा आया, काफ़ी खुशी हुई इससे टिकट लेने के बाद, और काफ़ी जो पुरानी यादें थी वो काफ़ी ताज़ा हो गई हैं। ये है WAT-7 का जो इंजन है, ये कराची कल्याण का है। तो ये चले हम लोग ट्रेन के अंदर। तो अभी जिसका अनाउंसमेंट हम लोग सुन रहे थे, KSR बेंगलोर हजरत निजामुद्दीन जो राजधानी एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है, और ये विदर्भ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है। तो हम लोग यहाँ से 3 से अभी निकल रहे हैं, वो 2 पे अभी आ रही है। अरे चाचा वहाँ कहाँ देख रहे हो, मैं इधर हूँ। हेलो, अरे ये देखो बिना टिकट के 4 लोग बैठे हैं, इनको 500 रुपये पर हेड के हिसाब से फाइन लगाए। अरे यार सिंपल तरीके से टिकट मिल रही है काउंटर पे, क्यों ऐसे काम करते हो, अच्छे से टिकट लेके बैठो। ये देखो अब जा रही है गोंडवाना एक्सप्रेस, ये हमारे साथ अभी चल रही है, इसको थोड़ा सा स्टेशन से आगे क्रॉस करके इसे आगे चल के इसे रोकने के लिए कहा गया है। ये व्यू देखना भाई इसके बाद का, और इसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे कि डायमंड क्रॉसिंग पार्क जो है वो देखना, और डायमंड क्रॉसिंग जो है नागपुर में वो आप इसमें ज़रूर देखना है। इस वीडियो में आगे कंटिन्यू रहिएगा। ये देखो भाई नज़ारा, ये यहाँ से बिल्कुल देखो, ओए होए 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 क्या बात है। बहुत रेयर देखने को मिलता है इस तरीके का व्यू जो दोनों ट्रेन साथ में चल रही हैं, इतना अच्छे से तालमेल जो है वो चल रहा है। ये धीरे धीरे जो गोंडवाना एक्सप्रेस है वो स्लो होती जाएगी आगे चल के, जो ये रुक जाएगी और ये विदर्भ को जो है पासिंग पहले मिल जाएगा, उसके बाद पीछे से गोंडवाना को पासिंग मिलेगा इसी रूट पे, इसी ट्रैक पे।
करते हैं नमस्ते गोंडवाना एक्सप्रेस को, और जब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा डायमंड कॉफी पार्क का। ये देखिए ये है डायमंड क्रॉसिंग जो पार्क है, डायमंड क्रॉसिंग मतलब दोनों साइड चारों साइड दिशा में जो चलते वाली ट्रेन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखो ये है डायमंड क्रॉसिंग जो नागपुर में रहता है, और सामने से देखो दूसरी ट्रेन आ रही है दूसरे रूट से। वाह ये देखो भाई क्या व्यू है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ऐड करूँगा कि जितना भी आपको जो ट्रेन जो रूट मिलेगा आप ये हमको नागपुर में से तुमसर की तरफ, वो इस तरीके से टर्निंग आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। आगे के वीडियो में दिखाऊंगा आपको, कभी लेफ्ट साइड टर्न लेगी ट्रेन, कभी राइट साइड टर्न लेगी, और छोटे छोटे समय के बाद ही जो है वो टाइम के बाद आपको ये टर्निंग देखने को मिलेगी। वाह वो देखो वहाँ पे जो नागपुर का रामधूला है ना वो वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। वाह भाई वाह क्या व्यू है, बारिश का मौसम भी आ गया है, अच्छे खासा बादल जो है वो बने हुए हैं। क्या तो नजारा है, क्या व्यू है यार। ये पहला स्टेशन जो है वो कन्हान स्टेशन क्रॉस हुआ है, क्योंकि टीटी जो है मैं टिकट चेक कर रहा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो ये कन्हान स्टेशन यहाँ से क्रॉस हुआ है। अब यहाँ का व्यू देखना भाई, ये व्यू देखने लायक है। ओए हो जो ट्रैक जो चेंज होते हैं ना ये व्यू देखने लायक है। बचपन में जब हम खिड़की पर बैठ कर देखते थे ट्रेन पर तो अलग ही एक मज़ा आता था। क्या बात, ओए हो बनाने वाले को मानना पड़ेगा यार, जो इंजीनियर्स बनाते हैं डिज़ाइन बनाते हैं ना इस तरीके की, वाकई में उनको सैल्यूट है। ये देखो एक और टर्न आपको देखने को मिलेगा,
क्रॉस हो गई पूरी गांधी धाम एक्सप्रेस जो है वो यहाँ से भी क्रॉस हो रही है। अभी जो है वो कामठी स्टेशन यहाँ पे आने वाला है। ये सामने आप देख रहे हो जो तीन आपको मालगाड़ी दिख रही है, फ्राइट जो ट्रेन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, तीनों एक अच्छे से दिख रही है। आपको पता नहीं किस तरीके से आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, और मैं जब सामने से ही देख रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा जो है इसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देख लेते हैं कौन सा लोकोमोटिव है। ये है WAG-9HC। ये कामठी में हम लोग अभी रुके हैं, ये चले हम लोग कामठी से यहाँ से। काफ़ी अच्छा स्टेशन है, काफ़ी शांत स्टेशन है। कभी आपको समय मिले तो यहाँ पे एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी शांत स्टेशन है ये, काफ़ी बढ़िया। इसमें जो मज़ा आता है इसमें बैठ के आप, और कई जो मैंने वीडियोज़ है जो मेरे अलग चैनल है दूसरा परयानी रेल करके मेरा एक चैनल है, उससे मैंने कई जो वीडियोस डाले हैं वो यहाँ से भी मैंने कई ट्रेन के वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं। ये जा रहा है सालवा स्टेशन। ये जा रही है कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस। काफी अच्छी ट्रेन है ये, पर इसका स्टॉप काफी ज़्यादा है। ये गोंदिया से शुरू होती है, कोल्हापुर तक जाती है। गोंदिया से ऑलमोस्ट एक 9 बजे जो वहाँ से निकलती है, 11 बजे के आसपास कुछ नागपुर पहुँचती है, और 4 बजे तक आपको अकोला के आसपास पहुँचा देती है। पर इसके जो बोगी है वो थोड़े से अभी डेवलप करना ज़रूरी है, और काफ़ी थोड़े से एडवांस करना इसको ज़रूरी है। ये जो यहाँ पे अभी स्लो हो रही है शायद रुकने वाली है, क्योंकि आगे से शायद सिग्नल क्लियर नहीं है। ये एक्चुअली इसका स्टेशन, ये ट्रेन का जो है वो स्टॉप नहीं है। ये क्या देखने को मिल रहा है यहाँ, ये जो लोकोमोटिव है वो खड़ी है यहाँ पे। आई थिंक 4 जो है वो लोकोमोटिव यहाँ खड़ी है, WAG के लोकोमोटिव है, इंजिन है।
आई थिंक आगे सिग्नल क्लियर नहीं है इसलिए यहाँ पे रोका गया है। चलो सिग्नल क्लियर हो गया, हम लोग निकलते हैं। ये है चाचेर स्टेशन, एक्चुअली ये स्टॉप है नहीं उसका। लगभग अभी जो छोटे स्टेशन है वहाँ पे भी स्टील की जो है वो सीटिंग वगैरह जो दी गई है, पहले के जो सीमेंट की जो रहती थी या लकड़ियों की रहती उसे रिप्लेस करके अभी स्टील को ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स दिया गया है। ये गई मालगाड़ी, अलग ही मज़ा आता है एक मालगाड़ी को देखने को, मालगाड़ी देखने को अलग ही एक मज़ा आता है। ये है खारसा स्टेशन, जो है नज़ारा देखने को मिलेंगे उसकी वजह से अच्छे करना शुरू हो गया है। और अलग अलग तरीके जो हम खेती करेंगे देखेंगे यहाँ पर जो कमी लगी हुई है, तो ये अलग अलग जो खेती होती है किसान जो मौसम में भी जो है बारिश के मौसम में भी आते हैं अपने खेत से अपना काम करते हैं, जो फसल है वो उगाते हैं, उसको सल्यूट है जो हमारे लिए करते हैं इतना ज़्यादातर भी इनका जो कर्ज इतना उतार नहीं सकते। ये यहाँ से जा रहा है देवराज स्टेशन, यहाँ से नजारा देख रहा है बढ़िया जो अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। वाह वाह, ये देखो दूर आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर बादल देखो, हाय क्या व्यू है, वो देखो बादल, ये देखो पहाड़, क्या तो नज़ारा। बारिश के मौसम का एक अलग ही मज़ा यहाँ देखने को मिलता है, इसके मिट्टी की क्या खुशबू आ रही है। ये गया खाट स्टेशन, ये पता नहीं क्या जल रहा है, अजीब सी स्मेल आ रही है, पीले कलर का धुआं दिखाई दे रहा है, तो कुछ केमिकल या समथिंग कुछ जला है शायद वहाँ पे।
अभी यहाँ आने वाला है भंडारा स्टेशन, जो भंडारा रोड जो है वो स्टेशन वो आने वाला है। एक चीज़ यहाँ नोटिस किया आपने, किस तरीके से जो ट्रेन से स्पीड में थी, जैसे ही वो स्टेशन के नज़दीक आके किस तरीके से अपने स्पीड को कंट्रोल में कर दिया। भाई ये टेक्नोलॉजी जो है दिन ब दिन एडवांस होती जा रही है, जैसे जैसे वैग इंजन जो है वो एडवांस होते जा रहे हैं, उनमें जो एडवांस फीचर रहता है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी जो है वो अपग्रेड होता जा रहा है। ये आ गया हमारा भंडारा रोड स्टेशन। दो मिनट का हॉल्ट है बस यहाँ से, फिर हमारा जो स्टॉप है, हमारा जो आज फाइनल डेस्टिनेशन है तुमसर रोड, वो ट्रेन रूट के थ्रू सिर्फ 20 से 25 मिनट का एक सफ़र रहता है यहाँ से। ये देखो ये आगे हैं जो वेंडर्स वगैरह जो आते हैं, अनऑथोराइज रहते हैं, अनऑथोराइज बोलो या ऑथोराइज बोलो, इन्हें भी नीड है इनकम की। कोरोना के बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो काफ़ी चेंजेस हुआ है फाइनेंशियल हमारे देश में, तो इन्हें भी ज़रूरत है के लिए भगवान जो गवर्नमेंट है इनको भी कुछ सिस्टम है वो बनाना चाहिए। वेंडर्स लोगों को देख के ना कुछ अलग अलग चीज़ें याद रखती हैं, अलग अलग वो हर स्टॉप पे अलग अलग चीज़ें लेकर आते हैं, एक अलग ही याद है इनके साथ जो जुड़ी रहती है। ये अभी हम लोग आ गए हैं तुमसर रोड पे, जो आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो अलग अलग जो ट्रैक हैं, काफ़ी बड़ा इसका ट्रैक है तुमसर रोड का जो स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा। वो देखिए वहाँ दूर तक जो है वो ट्रेन जो है वो खड़ी है, बोगी जो है वो खड़ी है, अलग अलग रूट जो है वो यहाँ से क्रॉस होते हैं। तिरोड़ी के लिए भी अगर किसी को जाना है तो यहाँ पे रुकना पड़ता है, स्टॉप लेना पड़ता है, और जो दूसरा एक ट्रैक है तिरोड़ी, वहाँ के लिए जो ट्रेन है वो यहाँ से अलग से एक लोकल जो ट्रेन है वो चलती है यहाँ से। मेन जो आपको दिखाई दे रहे होंगे जो प्लेटफॉर्म, वो 1, 2 और 3 प्लेटफॉर्म ही दिखाई दे रहे होंगे, पर वहाँ आप दूसरी तरफ देखते होंगे काफ़ी जो ट्रैक्स हैं मालगाड़ी के लिए वगैरह, या फिर जो अलग अलग रूट जो हैं वो और यहाँ से ज़्यादा फैले हुए हैं, तो काफ़ी बड़े जो ट्रैक है वो यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। भाई समोसा खाएगा कोई? तो फाइनली तुमसर में जो हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ ये एक्चुअली तुमसर रोड है, यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे, एक ऑटो और रिक्शा की जो सुविधा रहती है वहाँ से एग्जैक्टली 5-7 किलोमीटर जो है वो हमें जाना पड़ता है तुमसर सिटी में। तो ये तुमसर रोड है जो ये स्टेशन है, काफ़ी अच्छा लगा बहुत समय के बाद, 2 साल के बाद जनरल टिकट लेके जनरल बोगी में बिना किसी टेंशन के हम लोग बैठे हैं, काफ़ी वो अच्छा लगा, पुरानी यादें काफ़ी ताज़ा हो गई। ये देखो ये ऑटो में लगभग ऑटो रिक्शा वाले ने 8 लोग बिठाए, उनका कहना है कि एक ट्रिप जो है वो 250 रुपये की लेते हैं अगर किसी को स्पेशल जाना है। अच्छा यहाँ से डिस्टेंस कितना है तुमसर रोड से, तुमसर का सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ के लिए इनकी जो स्पेशल डिमांड है वो 250 रुपये। ये
किस हद तक जायज़ है वो आप ही देखिए। तो इस ऑटो में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से, 8 लोग हम लोग बैठे हैं, मुझे मिला के टोटल 8 लोग हैं और नौवां पर्सन जो है वो ऑटो जो ड्राइव कर रहा है व्यक्ति वो है, मतलब टोटल 9 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, 8+1 जो है हम लोग इसमें बैठे हुए हैं। 30 रुपीज़ पर हेड जो है ये सवारी ले रहे हैं, अगर स्पेशल जाओगे तो 250 रुपये लेते हैं सिर्फ 5 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक सिस्टम है। तो तुमसर को राइस सिटी कहा जाता है, तो वेलकम टू राइस सिटी तुमसर। चावल का काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे इसकी उपज होती है, इसके लिए माना जाता है, इसलिए इसे राइस सिटी कहा जाता है। ये आगे भाई तुमसर की गलियाँ, लगभग मैं शायद 5 साल के बाद जो है वो तुमसर आया हूँ। काफ़ी कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है, लगभग वैसा ही है, कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं इन टर्म्स ऑफ, एक फ्लाईओवर यहाँ एक अच्छा बन रहा था वो बन चुका है, और बहुत से जो अंदर जो रोड्स हैं वो अच्छे बन चुके हैं, पर उस हद तक जो डेवलपमेंट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद कुछ बदल गया होगा 5 साल में, उस हद तक इस यहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मुझे नहीं मिला है। बस यहीं रोक देना भैया। यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे, जब भी मैं तुमसर आता हूँ तो स्पेशली एक ही जगह पर मैं खाना खाता हूँ, तो विट्ठल भगवान का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे आपको एक भोजनालय दिखेगा, ये तो 12 बजे के बाद खुलता है, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए तो देखना पड़ेगा कि चालू है या नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे। ये है न्यू सिटी पॉइंट भोजनालय कैटरिंग, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, पर अभी बंद है, 12 बजे के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे खाना खाने के लिए। तो भाई 12 बजे के बाद तो मैंने वहाँ खाना खाया था, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, 90 रुपये की थाली देता है, 5 रोटी 1 चावल 2 सब्जियाँ। सब्जियों का मैं दीवाना हूँ, जिस तरीके से वो मसाले का जो मिक्सचर है ना उन सब्जियों में काफ़ी अच्छा है। आप कभी भी तुमसर जाएंगे ना तो वहाँ पर ज़रूर जाइएगा, उनका अच्छा भोजनालय है, काफ़ी अच्छा तरीके से वो खाना बनाते हैं और गर्मा गर्म परोसा जाता है। खास बात तो यह है 12 बजे बनता है, उसी वक्त मैं जाता हूँ, उसी वक्त मुझे गर्मा गर्म खाना मिलता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, दाल मिलती है अलग से, सलाद वगैरह वो अलग से देते हैं। तो कभी भी आप जाएं तुमसर तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।